हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो दिस विल बी अवर थर्ड लेक्चर ऑन वेक्टर। तो पहले एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, कल इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पढ़ा था हमने। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने पढ़ी थी कल, दैट वाज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और जैसा कि मैंने बताया था, वो चीज़ हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर कर ली थी। एक बार उसको क्विक रिव्यू करते हैं, फिर नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे इनइक्वालिटी कैसे स्टार्ट किया था हमने, कि हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए। लेट से दिस इज माई वेक्टर ए, दिस इज माई वेक्टर बी, सो दिस विल बी माई वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है ना। ट्राइंगल लॉ से बोल दो या शॉर्टकट से बोल दो, या फिर एक और डायग्राम बनाया था मैंने। मैंने कहा एक वेक्टर ए ये है, लेट से दिस वेक्टर इज बी, तो मेरा ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है ना। इन दो डायग्राम के हिसाब से फिर हमने क्या लॉ लगाया था, कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। तो लगाते हैं, तो क्या क्या किया था हमने, कि मॉड ऑफ ए दिस इज वन साइड प्लस अनदर साइड मॉड ऑफ बी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड। अब थर्ड साइड या तो हमारा ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा, तो उसको हमने एक साथ क्लब करके मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी करके लिख लिया था, ठीक है। और इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। तो अब मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, तो डिफरेंस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड ए माइनस मॉड बी। अब ये नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो ए का भी ज़्यादा हो सकता है, बी का भी ज़्यादा हो सकता है। तो इट्स बेटर टू पुट हेयर मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी, दैट इज थर्ड साइड, ठीक है ना। इसके बेसिस पे मैंने चार वो लिए थे, एग्जाम्पल टाइप का लिया था, सो दैट तुम्हें ये पता क्लियर हो जाए कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक था कि मॉड ए इक्वल्स टू 5, मॉड बी इक्वल्स टू 6, और फिर मैंने बोला मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 11। तो इधर हमारा इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, दिख रहा है 5 प्लस 6 इज 11। तो ये कब आएगा, जब हमारा वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स हो, सेम डायरेक्शन हो। सिमिलरली हमने तीन केस और डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो ये था हमारा मेन पार्ट जो हमने कल डिस्कस किया था। आज चलो हम नया चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है ना, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है टू गेट द फील ऑफ सब्जेक्ट, वेक्टर का तुम्हें फील आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना। और मैं थोड़ा पेन वगैरह का यूज़ करूँगा, पेन बुक वगैरह का, सो दैट आई शुड शो यू द पोजिशनिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। क्योंकि एक बार पोजीशनिंग ऑफ वेक्टर्स तुम्हारा क्लियर हो गया ना, तो तुम्हें फील आ जाएगा वेक्टर का, और फिर उसका हेल्प तुम्हें 3D में भी होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इनमें से तुम्हें कुछ लगेगा कुछ पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं एक साथ सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ और सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। इन सम ऑफ द पॉइंट्स यू माइट फील कि ये तो बहुत ही लल्लू चीज़ है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम सारे एक एक चीज़ सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा द वेरी इजी पॉइंट, कि दो पॉइंट दुनिया में, कोई स्पेस में हमने कोई भी दो पॉइंट लिए, दैट विल ऑलवेज बी कोलिनियर। देखो कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन पे आए। अब मैंने बोला कि स्पेस में कोई भी दो पॉइंट ले लिए मैंने, लेट से दीज टू पॉइंट्स, तो डेफिनेटली आई कैन ड्रॉ अ लाइन दैट पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट्स। तो इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, आई एम सेइंग कि टू पॉइंट्स इन अ स्पेस आर ऑलवेज कोलिनियर। लिख लो इधर, टू पॉइंट्स इन अ स्पेस आर ऑलवेज कोलिनियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बहुत छोटी सी चीज़ है, लग भी रहा होगा तुम बच्चों को, ठीक है ना, बट हम एक एक करके, ये छोटी चीज़ है बट इसी के धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और ध्यान रखना है, ठीक है ना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इज, दो पॉइंट तो मैंने बोला कि हमेशा कोलिनियर होंगे, अब खुद सोचो तीन पॉइंट क्या हमेशा कोलिनियर होंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, नहीं। क्योंकि अगर मान लो, जैसे मैंने बोला ये दो पॉइंट्स हैं, ये तो कोलिनियर हो गए, अब मैं तीसरा पॉइंट तो जरूरी नहीं ना मैं इस लाइन पे लोकेट करूं। इफ आई लोकेट द थर्ड पॉइंट ऑन दिस लाइन, देन आई विल से दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, बट इफ आई लोकेट द थर्ड पॉइंट आउटसाइड दिस लाइन, देन दीज थ्री पॉइंट्स विल नॉट बी कोलिनियर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इधर एक पॉइंट लिया, दिस इज माई पॉइंट 3, लेट्स से दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, सो नाउ यू कैन सी ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, मतलब ए बी सी एक लाइन पे नहीं आ रहे। तो इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखें, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर, जरूरी नहीं है कोलिनियर हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे। तो इधर लिख लो, थ्री और मोर पॉइंट्स May or may not be collinear, ठीक है ना। थ्री पॉइंट्स may or may not be collinear, क्लियर हुआ बच्चों,
दो पॉइंट हो गए. अब हम इसी का देखते हैं वेक्टर का पार्ट. यही ऐसे ही दो पॉइंट आएंगे वेक्टर के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें लेट्स से नंबरिंग कर देता हूँ मैं. पहला दो पॉइंट होगा, अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर, सुनना ध्यान से, टू वेक्टर्स इन अ स्पेस आर ऑलवेज कोप्लैनर. पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं इसको. टू वेक्टर्स इन अ स्पेस आर ऑलवेज कोप्लैनर. समझो क्या बोल रहा हूँ मैं. देखो सुनो, ध्यान से सुनना. जैसे अभी हम आगे चल के लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना, लाइन एंड प्लेन. अभी कुछ इंट्रो पार्ट आज ही के लेक्चर में होगा और उसका मैथमेटिकल पार्ट लाइन एंड प्लेन्स का वो हम 3D में देखेंगे. तो उधर हम देखेंगे कि दो लाइन है ना, दो लाइन, सुनना ध्यान से. जैसे अगर हम टू डायमेंशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो हमारे जो लाइंस होती है ना वो हमेशा कोप्लैनर होती है. तुम कोई भी दो लाइन बनाओ, लेट्स से एक लाइन ये बनाई, एक ये लाइन बनाई, तो यू कैन सी दीज टू लाइन्स लाई इन एक्स वाई प्लेन. सो लाइन्स तो हमारे टू डायमेंशन प्लेन में हमेशा कोप्लैनर होते हैं. सुनना ध्यान से, अभी मैं जिस फ्लो में जा रहा हूँ. मैंने बोला थ्री डायमेंशन में क्या होता है ना, लाइन्स जरूरी नहीं है कोप्लैनर होते हैं. उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, स्क्यू लाइन्स. मतलब देखना ध्यान से, पोजिशनिंग देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ. लेट्स से ये मेरा एक ब्लैक, एक ये लाइन है और एक ये ब्लू लाइन है. नाउ यू कैन सी कि दीज टू लाइन्स आर नॉट कोप्लैनर. मतलब तुम कोई भी एक प्लेन ऐसा डिफाइन कर ही नहीं सकते जिसके अंदर ये दोनों लाइन आ जाएं. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक प्लेन ये लिया, तो मेरी एक ये लाइन है, ये मेरी एक लाइन है ब्लू वाली. तो अब मैं अगर ये ब्लैक मार्कर मैंने इसी में रखा, इसी में एक लाइन बनाई, तो ये कोप्लैनर हुई. अगर मान लो मैंने लाइन ऐसी बनाई, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लैक वन, तो यू कैन सी दिस ब्लैक एंड द ब्लू वन, दीज आर नॉन कोप्लैनर लाइन्स. इसी को हम आगे चल के अभी लिखेंगे, दीज आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स. ठीक है ना, तो दो लाइन्स तो जरूरी नहीं कोप्लैनर हो. बट मैंने क्या लिखा है, टू वैक्टर्स. अब सोचो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, दो वैक्टर्स हमेशा कोप्लैनर होंगे, ऐसा क्यों? देखो एक चीज, एक तो ये सिंपल है कि लेट से एक वैक्टर मैंने ये ले लिया और एक इसी प्लेन में लेट से ये ले लिया. नाउ यू कैन सी दिस बोर्ड इज माई प्लेन, इस प्लेन के अंदर ये दोनों वैक्टर्स आ रहे हैं. अब कोई बोलेगा कि सर लाइन्स की तरह ही आप ये ले लो, लेट से दिस ब्लैक मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, थ्रो पास आ जाता हूँ, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज वन वैक्टर एंड दिस इज अनदर वैक्टर. इफ आई टेक दिस दीज टू वैक्टर लाइक दिस वे, देन यू विल से कि हाँ ये दोनों वैक्टर्स कोप्लैनर है. बट अगर मान लो मैं इस वैक्टर को, ये वाला जो ब्लैक वैक्टर है, मैंने इसको ऐसे रखा, तो कोई बोलेगा बच्चा कि सर ये दो वैक्टर्स तो कोप्लैनर नहीं है. तो और मैंने अभी लिखवाया कि टू वैक्टर्स इन अ स्पेस आर ऑलवेज कोप्लैनर, ऐसा क्यों? अब मैं, तुम सोचो पॉज करके, अब मैं बता रहा हूँ. अब हमें पता है कि जो हमारा मैथमेटिक्स, मतलब नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, वॉट एवर, मतलब हम जहाँ भी पढ़ते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं ना हमारे, उनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. तो ये ब्लैक वाला मार्कर जो है ना, ब्लैक वाला जो वेक्टर है, इसको मैं ट्रांसलेट करके इसी प्लेन में लेके आ जाऊँगा. ये वेक्टर ब्लैक था, ये भी वेक्टर, ये सेम वेक्टर है, बिकॉज आई कैन ट्रांसलेट, बिकॉज वी नो वेक्टर्स आर फ्री. तो अब मैं क्या बोलूंगा, दीज टू वैक्टर्स आर कोप्लैनर. अभी दिखने में लग रहा है कि ये दोनों वैक्टर्स अभी एट दिस पोजिशन दीज टू आर नॉन कोप्लैनर, बट आई एम सेइंग व्हाट, कि हम वैक्टर्स को तो कभी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो मैंने ऐसे ट्रांसलेट किया, नाउ यू कैन सी दीज टू वैक्टर्स आर कोप्लैनर. इसलिए मैंने लिखा कि टू वैक्टर्स इन अ स्पेस आर ऑलवेज कोप्लैनर. ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया होगा, पॉइंट्स वाला तो हम पढ़ते ही हैं स्ट्रेट लाइन वगैरह में कि टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, बट ये वाला पॉइंट कि टू वैक्टर्स हमेशा कोप्लैनर होंगे, चाहे ये दोनों वैक्टर्स बना लिए ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे बना लिए, तो बस इसको मैं मूव कर सकता हूँ ना, आई कैन ट्रांसलेट इट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. सो एक ही प्लेन में आ गए ये दोनों वेक्टर, सो दीज टू वेक्टर्स आर कोप्लैनर. आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत एम्फसाइज किया. अब इसी का थर्ड पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, आप खुद ही सोच सकते हो. अब मैं क्या लिखवाऊँ, जैसे दो पॉइंट लिए थे मैंने तो बोला था ऑलवेज कोलिनियर, तीन पॉइंट लिए तो मे ओ मे नॉट बी कोलिनियर. उसी के हिसाब से दो वैक्टर्स तो हमेशा कोप्लैनर होंगे, तीन वैक्टर्स मे ओ मे नॉट बी कोप्लैनर. लिख लो पहले, थ्री और मोर वैक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लैनर. मे और जरूरी नहीं कोप्लैनर हो, मे और मे नॉट बी कोप्लैनर. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दीज टू ब्लैक मार्कर्स आर इन दिस प्लेन, मैं जो मेरा पाम वाला है उस प्लेन में है ये दोनों, और तीसरा वैक्टर अगर मैंने मान लो इसी प्लेन के अंदर रख दिया, तो भैया ये
तीनों कोप्लानर हो जाएंगे। बट अब सपोज मैंने ये ब्लू वाला मार्कर जो है दैट इज़ माई थर्ड वैक्टर, वो मैंने ऐसे रखा। नाउ यू कैन सी कि यू कैन नॉट डिफाइन एनी प्लेन विच इज़ कंटेन्ड बाई दीज थ्री वैक्टर्स। मतलब तुम्हारा कोई भी प्लेन एक भी ऐसा नहीं आ पाएगा जो कि इन तीनों वैक्टर्स के लिए, मतलब तीनों वैक्टर्स में आ जाए, ठीक है ना। यू कैन सी कि इफ आई ड्रॉ लाइक दिस वे, देन दिस वैक्टर ब्लू वैक्टर इज आउट ऑफ द प्लेन, सो दिस दीज थ्री वैक्टर्स आर नॉट कोप्लैनर। बट अगर मान लो मैं इस ब्लैक मार्कर को ऐसे ड्रॉ नीचे करके ऐसे ले आया, अब मैंने एक प्लेन सर्फेस पर रख दिए, नाउ दीज थ्री वैक्टर्स आर कोप्लैनर। बट अगर मैंने इसको ऐसे उठा दिया ऊपर, ठीक है ना, नाउ दीज थ्री आर नॉट कोप्लैनर। तो इसलिए मैंने लिखवाया मे और मे नॉट बी, ठीक है ना, थ्री वैक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लैनर, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार इसको माइंड में रीड करो, चारों पॉइंट्स को एक बार रिकॉल करो अपन ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना। और मैं स्लो जाऊंगा आज के लेक्चर में, डोंट वरी, ठीक है ना, क्योंकि फील वाला पार्ट है थोड़ा। तो पहला पॉइंट, टू वेक्टर्स, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, थ्री पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर, फोर्थ पॉइंट इज टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लैनर, एंड थर्ड पॉइंट इज थ्री और मोर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लैनर, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर फाइव, पहले इसको लिख लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। अ वेक्टर कैन बी कंटेन बाय इनफाइनाइट, चलो ऐसे लिख लो, इनफाइनाइट प्लेन्स। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब क्लास में होते हैं ना, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो वेक्टर थोड़ा ज़्यादा मतलब आसान जाता है। बट डोंट वरी, हम उसको आसान बनाएंगे, जितना हो सकेगा उतना आसान बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वेक्टर कैन कंटेन बाय इनफाइनाइट प्लेन। एक बात खुद सोचो कि इसका मतलब क्या है, सिंपल इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना। अब तुम इसको इंटरप्रेट करो, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसने क्या बोला कि कोई भी वेक्टर है, लेट्स से, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि लेट्स से मैंने इसको फिक्स किया, ये मेरा वेक्टर है। अब ये बोल रहा है कि ये वेक्टर ना इनफाइनाइट प्लेन्स इसको कंटेन करेंगे। दिस वेक्टर इज कंटेन्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन्स। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द प्लेन, ये मेरा जो बुक है ये मेरा एक प्लेन है। अब मैंने क्या किया, ये एक प्लेन हो गया मेरा वेक्टर, तो मैंने ये फिक्स कर दिया, लेट्स से ये फिक्स हो गया मेरा वेक्टर। अब मैंने एक प्लेन तो ये ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेन को रोटेट कर रहा हूँ। यू कैन सी, अब मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, सी ऐसे कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक द शॉर्ट बुक, ये वाला बुक ले ले। आज मेरे को बुक्स वगैरह भी रखनी पड़ी इधर, क्योंकि थोड़ा सा आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ मार्कर्स एंड बुक्स, ठीक है। तो देखो, लेट्स से ये मेरा एक मार्कर है, ठीक है ना, दिस इज माई वैक्टर। तो मैंने बोला कि ये अभी इस प्लेन के अंदर कंटेंट है। अब मैं देखना प्लेन को रोटेट कर रहा हूँ, दिस इज माई डिफरेंट प्लेन, दिस इज ऑल, नाउ दिस वेक्टर इज कंटेन्ड इन दिस प्लेन ऑल्सो। इफ आई कीप ऑन रोटेटिंग दिस बुक दैट इज माई प्लेन, सो आई कैन, वॉट आई कैन से कि दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज कंटेन्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन्स। आई कैन रोटेट दिस प्लेन, ठीक है ना, आई कैन रोटेट दिस प्लेन, सो दिस वैक्टर इज कंटेन्ड बाय, बिकॉज आफ्टर रोटेटिंग आई विल गेट अ डिफरेंट प्लेन ऑफकोर्स। जैसे मैंने एक प्लेन मेरा ये है, इसको रोटेट किया तो एक डिफरेंट प्लेन आया, फिर इसको रोटेट किया फिर दूसरा प्लेन आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, लाइक दैट वे। एंड आई एम सेइंग कि दिस वेक्टर इज फिक्स, लाइक मैंने इसको इधर फिक्स कर दिया ऐसे। तो नाउ यू कैन सी कि आई कैन, इफ आई विल रोटेट द प्लेन, सो मैं क्या बोलूँगा कि इस ये वैक्टर इनफाइनाइट प्लेन्स द्वारा कंटेन्ड है। दिस वैक्टर इज कंटेन्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगेन जो अब मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, देखना ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे ना, नॉन कोलिनियर मतलब ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, विच आर जो लाइक भी ना हो और अनलाइक भी ना हो, ठीक है ना। तो लेट्स से दीज टू आर माय नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ना, हमें एक यूनिक प्लेन मिलेगा। सुनना ध्यान से, दो नॉन, लेट्स से दीज आर टू माई नॉन, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, दिस विल गिव अस अ यूनिक प्लेन। अब यूनिक भी सेंस में, इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब यूनिक ऐसा नहीं है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू माई वैक्टर्स नॉन कोलिनियर। अब मैंने क्या बोला कि एक बार मैंने दो वैक्टर्स फिक्स कर दिए ऐसे, सो आई विल गेट, जो प्लेन है वो यूनिकली लोकेट हो गया इन सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये दो एक मिनट, ये दो मेरे वैक्टर्स हैं नॉन कोलिनियर। तो अब मैंने क्या बोला कि एक प्लेन मेरा ये है, तो अब मैं इस प्लेन को ना रोटेट नहीं कर सकता।
समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि इस प्लेन को रोटेट करूंगा तो दिस टू वेक्टर विल नॉट बी कंटेन्ड इन दिस प्लेन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो नॉन कोलिनियर वैक्टर्स ना हमें यूनिक प्लेन देंगे। बट क्या होगा, यूनिक इन सेंस ऑफ डायरेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई कैन ट्रांसलेट दिस प्लेन, आई कैन नॉट रोटेट दिस प्लेन, आई कैन ट्रांसलेट दिस प्लेन। तो जैसे मान लो ये दो वैक्टर्स हैं, तो वैक्टर्स को तो मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, तो इस वाले प्लेन के ऊपर ले आया मैं। फिर मैंने इधर एक तीसरा प्लेन है, इसके ऊपर ले आया। बट ऑल दीज प्लेन्स आर पैरेलल प्लेन्स, तो इनका ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, डायरेक्शन फिक्स हो गया, बट इनकी पोजीशन फिक्स नहीं हुई। तो इसलिए मैं उसको ये, मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूँगा कि टू नॉन कोलिनियर वैक्टर्स गिव अस अ यूनिक प्लेन। मेरे को उसमें ऐड करना पड़ेगा कि इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के सेंस में हमें यूनिक प्लेन मिलेगा। एक बार दो वैक्टर्स मैंने बोला कि ये दो वैक्टर्स हैं, तो इन दोनों वैक्टर्स से आई विल गेट अ यूनिक प्लेन इन सेंस ऑफ डायरेक्शन। आई एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा नया पॉइंट है। मैंने क्या बोला कि दो नॉन कोलिनियर वैक्टर्स विल गिव अस अ यूनिक प्लेन, बट दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। कंप्लीट क्या होगा कि यूनिक प्लेन तो मिलेगा बट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, अदरवाइज देयर आर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स, अदरवाइज देयर आर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स। एंड डोंट वरी, धीरे धीरे ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मान लो कोई चीज़ पॉइंट में डाउट भी हो जाता है तो डोंट वरी, ठीक है ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ये पॉइंट थोड़ा नया लिख लेते हैं पहले। टू वैक्टर्स, और टू वैक्टर्स क्या होना चाहिए, नॉन कोलिनियर, टू नॉन कोलिनियर वैक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर वैक्टर्स। अच्छा, इधर नॉन कोलिनियर क्यों लिखवाऊँ मैं, हो सकता है कुछ, क्योंकि अगर कोलिनियर हो गए, लेट्स से दीज टू आर वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो मुझे इन्फाइनाइट प्लेन मिल जाएंगे ना। कोलिनियर मतलब तो ये आई विल गेट इन्फाइनाइट प्लेन्स, ये रोटेट करते जाओ प्लेन, ये प्लेन रोटेट करते जाओ, यू कैन रोटेट दिस प्लेन। तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, नॉन कोलिनियर, दो नॉन कोलिनियर वैक्टर होंगे तब जरूर मेरा प्लेन फिक्स हो गया। ओनली इट कैन मूव पैरेलली, उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। तो यूनिक किस सेंस में मिला मुझे, डायरेक्शन के सेंस में। तो लिख लो इसको, टू नॉन कोलिनियर वैक्टर्स will give us a unique plane, unique plane in sense of direction, in sense of direction, bracket में लिख लो orientation, orientation, actually ऐसे लिख लो और उसको और इस clarity के साथ, actually there are infinite parallel planes। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि हमें दो नॉन कोलिनियर वैक्टर से यूनिक प्लेन मिल जाएगा इन सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब एक बार ये प्लेन फिक्स, ये दो नॉन कोलिनियर वैक्टर्स आ गए तो प्लेन फिक्स हो गया, मतलब उसको हम रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ओनली वी कैन ट्रांसलेट इट, ठीक है। धीरे धीरे हम इसके एक बार और आएंगे आखिरी में इस पॉइंट पे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी करते जाना है इसको। अब देखना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हम आते हैं थोड़ा प्लेन और लाइन पे। तो मैंने क्या बोल रहा हूँ कि कोई लाइन है ना, सुनना ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से दिस इज वन माई लाइन, तो चलो डायग्राम से बता देता हूँ। लेट्स से दिस इज माई लाइन, दिस इज माई लाइन। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि लाइन के पैरेलल, सुनना पूरा पॉइंट सुनना ध्यान से, एक एक हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। एक गिवन लाइन है मेरी, मैं बोल रहा हूँ इस गिवन लाइन के पैरेलल, इस गिवन लाइन के पैरेलल देयर आर टू यूनिट वेक्टर्स ओनली इस पूरी दुनिया में। मैंने कहा एक बार ये लाइन फिक्स हो गई, इस लाइन के पैरेलल देयर विल बी टू यूनिट वेक्टर्स, कौन कौन से, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। प्लेन लाइन के पैरेलल दो वेक्टर ही आएंगे। अच्छा, मैं दो वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, दो यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि सर एक ये वेक्टर है, फिर मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ये तीसरा वेक्टर हो गया, आपने तो दो ही बोला। नहीं भैया, ये दोनों एक ही है ना। क्यों एक ही है, बिकॉज हम तो ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, क्लियर है, वी कैन ट्रांसलेट दिस वेक्टर टू दिस, तो दीज टू आर द सेम वेक्टर्स। हाँ, ये और ये अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड है। अच्छा, यूनिट क्यों बोला, अब मान लो ये टू लेंथ का है और मान लो अगर मैंने इसको चार लेंथ का कर दिया, नाउ दीज टू वेक्टर्स आर डिफरेंट, तो फिर मेरे तीन वेक्टर आ गए। तो इसलिए मैंने क्या बोला, दो कब बोलूंगा मैं, यूनिट वेक्टर्स। तो इसको लिख लेते हैं लैंग्वेज में, कि टू अ गिवन लाइन, टू अ गिवन लाइन, एक लाइन गिवन लाइन पे, टू अ गिवन लाइन देयर आर
ओनली देयर आर ओनली टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, पूरा लिखो इसको यूनिट वेक्टर्स, अगर वेक्टर लिखा तो इनफाइनाइट हो जाएंगे अगेन, बिकॉज हर बार मैं मैग्नीट्यूड चेंज करता रहूँगा, इधर टू कर दिया, फोर कर दिया, सिक्स एट टाइम, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, बट मैं क्या बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर लोगे अगर किसी लाइन के पैरेलल, तो देयर विल बी टू, तो टू अ गिवन लाइन देयर आर ओनली टू पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, क्लियर हुआ ये? लाइन के पैरेलल हमेशा हमें केवल दो ही वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना, दो ही यूनिट वेक्टर्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखना, टू अ गिवन लाइन, इतना यहां से यहां तक कॉपी, टू अ गिवन लाइन देयर आर इनफाइनाइट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, या परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिख लो, इधर चलेगा, इसका मतलब क्या है, को सोचो, व्हाट डज दिस मीन, देयर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ लाइन, गिवन लाइन, इसका मतलब क्या है, लेट्स से दिस इज माय लाइन, ठीक है ना, ध्यान से देखना, मैं डायग्राम पर फील दिला रहा हूँ, लेट्स से दिस इज माय लाइन, अब वो क्या बोल रहा है कि इस लाइन के पहले, उसने पॉइंट में क्या बोला, इस लाइन के पहले दो वेक्टर्स हैं, एक तो ये और एक ये, पैरेलल तो दो हो गए, बट वो बोल रहा है कि इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, लेट से एक वेक्टर मेरा ये हो गया, लाइक दैट वे, यू कैन सी दिस ब्लू इज माय गिवन लाइन एंड दीज थ्री, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, आई कैन ड्रॉ दिस अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन, आई कैन ड्रॉ दिस, तो वही बोल रहा है कि एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, और एक और चीज, एक थोड़ा सा और, एक और चीज, वो इनफाइनाइट वेक्टर्स क्या होंगे ना, एक प्लेन में लाई करेंगे, खुद सोचो कि जैसे ये मेरा एक एक्स, ये मेरा वेक्टर हो गया, गिवन लाइन हो गया, अब मैंने बोला दीज आर इनफाइनाइट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, नाउ यू कैन सी कि ऑल दीज वेक्टर्स जो मैंने परपेंडिकुलर लिए इस गिवन लाइन के, ऑल दीज आर लाइंग इन अ प्लेन, ऑल दीज इनफाइनाइट वेक्टर लाइज इन अ प्लेन, ठीक है ना, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, टू अ गिवन लाइन देयर आर इनफाइनाइट यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स एंड ऑल दीज परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल लाई इन ऑन अ प्लेन, विल लाई ऑन अ प्लेन, क्लियर हुआ? जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारा फैन का, फैन का देखो क्या होता है, फैन का ये मेरा एक्सेस, ये उसका क्या बोलते हैं, इंज जो भी बोलते हो, ये एक्सेस होता है, और ये हमारे तीन उसकी ब्लेड्स होती हैं, ये तीन ब्लेड्स होती हैं, लेट्स से दिस इज माय हिंज, मान लो इधर से लगाया हुआ है, और दीज आर माय थ्री ब्लेड्स, सो यू कैन सी कि दिस इज अ गिवन लाइन एंड दीज थ्री प्लेन, दीज थ्री वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, हैंस दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट, हम तो पंखे में इनफाइनाइट ब्लेड्स लगा सकते हैं, जैसे एक और ये लगा दी मैंने, फिर एक और लाइक दैट वे, एंड ऑल दीज परपेंडिकुलर ब्लेड्स विल लाई इन अ प्लेन, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर फैन को लेके समझ सकते हैं कि फैन का रॉड हो गया, और उसमें हमारी जो तीन फैन हैं, तीन पंखड़ियाँ जो हैं, ब्लेड्स जो हैं, दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू दैट रॉड एंड ऑल दीज ब्लेड्स आर कोप्लेनर, एक प्लेन में लाई करेंगी वो तीनों ब्लेड्स, वही चीज लिखा है, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक और चीज, अब देखो मैंने लाइन्स के लिए क्या बोला, लाइन्स के पैरेलल दो वेक्टर्स मिलेंगे यूनिट वेक्टर्स, लाइन्स के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स मिलेंगे, अब मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ, देखना ध्यान से, पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, अब जो बीच के एंगल बचे, बीच के से मेरा मतलब, अच्छा एक बार मैं इसका डायग्राम और बताता हूँ, उसके बाद मूव करता हूँ, लेट्स से इसका डायग्राम और बता देता हूँ, ये मेरा गिवन लाइन था, या लाइन बोल लो या वेक्टर बोल लो, एक ही बात है इधर के लिए, इसका डायग्राम बता रहा हूँ, देखना इस लाइन के परपेंडिकुलर, देखना ये सारे वेक्टर्स, ऑल दीज विल लाई इन अ प्लेन, दिख रहा है, ये मेरी एक्सिस ऐसे जा रही है, और ये ऐसा प्लेन है, ये मेरी एक्सिस ऐसे जा रही है, दिस लेट्स से दिस रेड वन इज माय लाइन, सो इस ये मेरा पाम जो है, जो मेरा पाम है, दैट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो जो भी वेक्टर्स आ रहे हैं, जो परपेंडिकुलर, मैंने बोला इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स टू अ लाइन, ऑल दोज इनफाइनाइट वेक्टर्स विल लाई इन दिस प्लेन, इन अ प्लेन ऑफ माय पाम, ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, अच्छा हाँ मैं अब क्या बोल रहा था कि जैसे पैरेलल का हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, अब जो बीच के एंगल्स बचे, लेट्स से 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, व्हाटएवर, अब देखना उसके लिए एक और लिख लेते हैं, लिख लो
या फिर ऑल द वेक्टर्स, ऐसे लिखो ऑल द वेक्टर्स विच इज मेकिंग ऐसे लिख लो, नहीं तो देयर आर, एक मिनट में करेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद तुम लिखना, देयर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ गिवन लाइन विद द गिवन लाइन. अब क्या बोल रहा है ये कि अभी तो मैंने परपेंडिकुलर वाले लिए थे, पैरेलल वाले तो दो मिले, परपेंडिकुलर वाले इनफाइनाइट मिले, और वो बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बनाने वाले भी देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेस. कैसे? फॉर एग्जांपल देखना, मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ. लेट्स से दिस इज माय लाइन, गिवन लाइन. अब मैं बोल रहा हूँ लेट्स से 45 डिग्री ले लिया मैंने, मैंने कहा 45 डिग्री एंगल बनाने वाले इसके इसमें इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे. कैसे? देखना, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, और ये वेक्टर, ये वेक्टर. अब वो क्या बोल रहा है आगे, और मैं ऐड करूँगा अभी, कि जो ये इनफाइनाइट वेक्टर्स है ना, दीज ऑल विल लाई ऑन अ कोन. कैसे? देखो इधर, लेट्स से दिस इज वन ऑफ माय वेक्टर, दिस इज वन ऑफ माय वेक्टर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर. तो ये एक कोन पे लाई करेंगे. समझ में आ रहा है? देखो ऐसे बताता हूँ फिजिकली, थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना, बट आई विल ट्राई. लेट्स से ये मेरा एक एक्सिस हो गया, ठीक है, ये मेरा एक गिवन लाइन हो गया. नाउ दिस ब्लैक मार्कर, दिस ऐसे बताता हूँ, दिस ब्लैक मार्कर इज मेकिंग एन एंगल, लेट्स से 45. दिस इज अनदर ब्लैक मार्कर विच इज मेकिंग एन एंगल 45. दिस इज अनदर ब्लैक मार्कर विच इज मेकिंग एन एंगल 45 विद दिस ब्लू, ब्लू वन इज द माई ब्लैक एक्सिस, मतलब गिवन वेक्टर. इसके इससे थीटा एंगल विच इज 45 डिग्री बनाने वाले देयर विल बी इनफाइनाइट वेक्टर्स. और ये दिख रहा है अभी सारे जो वेक्टर्स है ना ब्लैक वाले बाहर की तरफ जो लिख रहा हूँ, दे ऑल विल लाई ऑन अ कोन. तो इधर लिख लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं उसको. देयर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ गिवन लाइन एंड ऑल दीज इनफाइनाइट वेक्टर्स एंड ऑल दीज इनफाइनाइट वेक्टर विल लाई and all these infinite vector will lie on a conical surface, या फिर on a cone, on a conical surface. उस cone का axis क्या होगा? Given vector होगा, ये भी लिख लो. For which the given vector will be the axis, the given vector will be the axis. और इस एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, जो थीटा एंगल बना रहा है ना, एंड थीटा इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल, एंड थीटा इज कॉल्ड, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है इस पॉइंट का, इससे ऊपर वाले के दोनों के बहुत, ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बट फिर भी बता दिया जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट. तो थीटा इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल. ये शायद 9th-10th में पढ़ते हो तुम लोग, कोन का जो एंगल होता है वो सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हो उसको, इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल. ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट कीप दीज टू इन माइंड. ये तो मैंने जस्ट फील के पर्पज से बताया कि ऐसा नहीं कि कोई बोले कि सर पैरेलल तो बता दिया, परपेंडिकुलर बता दिया, और एक जनरल कोई थीटा लेके बताओ तो वो सारे वेक्टर्स कहाँ आएंगे, तो ऑल दोज वेक्टर्स विल लाई ऑन अ कोन. ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा. अब क्या करो, पहले वीडियो पॉज करो. मैंने टोटल कितने पॉइंट्स लिए हैं, छः पॉइंट्स ले लिए तुम्हारे, एक बार रिकॉल करो ऑल द 6 पॉइंट्स. ठीक है ना, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ. तो इम्पॉर्टेंट क्या है जो मैंने लास्ट 2 पॉइंट्स में देखा, कि लाइन के पैरेलल तो हमारे दो वेक्टर्स होंगे, परपेंडिकुलर इनफाइनाइट होंगे. इन शॉर्ट मतलब कुछ समरी बोलूँ मैं, जो भी मैंने पॉइंट्स लिखा उसके आधार पे जो समरी थी अभी हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स की, क्या थी कि गिवन लाइन के पैरेलल दो यूनिट वेक्टर्स होते हैं और परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट होते हैं. अब यही चीज अपोजिट हो जाएगी प्लेन के लिए. अब क्या होगा कि पैरेलल तो इनफाइनाइट होंगे प्लेन के और परपेंडिकुलर दो होंगे. ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं. जस्ट अपोजिट ऑफ लाइन. तो लिखो फॉर अ गिवन प्लेन देयर आर ओनली टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. ठीक है ना, उधर क्या था, परपेंडिकुलर इनफाइनाइट थे लाइन के, बट प्लेन के लिए हमें केवल दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिलेंगे. कैसे? देखो जैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ, लेट्स से दिस इज माय प्लेन,
ठीक है ना। तो एक वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ, एक वेक्टर मेरा नीचे की तरफ, ठीक है ना। अगेन कोई बोल सकता है कि सर ये लो एक और वेक्टर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नहीं भाई नहीं है ना, वो ये डिफरेंट वेक्टर नहीं है, यही वाला वेक्टर है, बिकॉज यू कैन ट्रांसलेट द वेक्टर्स, बिकॉज मैंने यूनिट तो ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो ऑफकोर्स तुम्हारा ये भी यूनिट मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड है, और मैं इसको ट्रांसलेट करके इधर लेके आ सकता हूँ, तो दिस इज नॉट अ डिफरेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको मैंने हटा दिया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्लेन के परपेंडिकुलर वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय प्लेन, ठीक है ना। तो एक वेक्टर तो ये जस्ट अ मिनट, एक वेक्टर तो ये ब्लैक वाला, और इसी को हटा के अब एक नीचे की तरफ, दिस इज ब्लू वाला, ठीक है ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर देयर विल बी टू वेक्टर्स, एक तो ये दोबारा देखो और एक ये, तो प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स, ठीक है ना। अब आते हैं प्लेन के पैरेलल, तो क्या लिखूं मैं, अब तो समझ में आ गया होगा क्या लिखने वाले हैं। फॉर अ गिवन प्लेन, फॉर अ गिवन प्लेन देयर आर इनफाइनाइट पैरेलल, फॉर अ गिवन प्लेन देयर आर इनफाइनाइट पैरेलल वेक्टर्स, या यूनिट वेक्टर कुछ भी लिख सकते हो इधर, तो समझ में आया। प्लेन के पैरेलल देयर विल बी इनफाइनाइट वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल एक बार तो मैं डायग्राम से बताता हूँ, फिर फिजिकली बताता हूँ। लेट्स से दिस इज माय प्लेन, ठीक है ना। तो एक वेक्टर मेरा ये हो गया, एक वेक्टर मेरा ये हो गया, और एक वेक्टर मेरा, अब मैं इस प्लेन के अंदर तो इनफाइनाइट वेक्टर्स बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो प्लेन के पैरेलल देयर विल बी इनफाइनाइट वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय बुक इज माय प्लेन, सो आई कैन से दिस इज दिस पर्टिकुलर ब्लैक मार्कर जो मेरा वेक्टर है दैट इज कोप्लैनर, क्योंकि मैं ट्रांसलेट करके इधर लेके आ सकता हूँ। अगेन इफ दिस इज अ वेक्टर आई कैन ट्रांसलेट इट, आई कैन मेक इट इन दिस प्लेन। लेट्स से दिस इज माय अनदर वेक्टर, आई कैन ट्रांसलेट इट, आई कैन मेक इट इन दिस प्लेन। सिमिलरली आई कैन पुट इनफाइनाइट वेक्टर्स इन दिस प्लेन, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, जो प्लेन वाला सिनेरियो था दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ लाइन वाला सिनेरियो, ठीक है ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर दो मिलेंगे, पैरेलल इनफाइनाइट मिलेंगे, लाइन के उल्टा था, लाइन में क्या हो रहा था, पैरेलल दो मिल रहे थे और परपेंडिकुलर इनफाइनाइट मिल रहे थे, ठीक है ना। क्लियर है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक बार क्विक रिव्यू दोबारा जो भी पढ़े, ठीक है ना, वॉट एवर वी हैव लर्न। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है ना, सॉरी टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है ना, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे, थ्री पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर, जरूरी नहीं है कोलिनियर हों, ठीक है ना, दो पॉइंट हो गए। फिर हमने देखा कि दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लैनर होंगे, तो फिर मैंने उधर ये बताया था कि अगर मान लो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है, तो कोई बोलेगा कि ये दोनों तो कोप्लैनर नहीं है, है ना, क्योंकि हम इसको ट्रांसलेट करके इस प्लेन में लेके आ सकते हैं, हाँ दीज टू वैक्टर्स आर कोप्लैनर, तो दो वैक्टर्स तो हमेशा कोप्लैनर होंगे ही। थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लैनर, इसको समझाने के लिए मैंने क्या लिया, ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में है और इसको मैंने ऐसे रख दिया ब्लैक वाले को, तो नाउ यू कैन सी कि दीज थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लैनर, ठीक है ना। उसके बाद ये चार पॉइंट हो गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक प्लेन, एक वेक्टर जो है ना, दैट कैन बी कंटेन बाय इनफाइनाइट प्लेन्स, हम प्लेन को रोटेट करते जाएंगे, वेक्टर उधर ही अपना, तो एक वेक्टर जो है इनफाइनाइट प्लेन के द्वारा कंटेन किया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो प्लेन, हाँ ये सब अभी इन सभी पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही वाला पॉइंट था इसके बाद वाला, कि दो प्लेन से हमें यूनिक प्लेन मिले, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स से हमें यूनिक प्लेन मिलेगा इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब उसका प्लेन, एक बार दो प्लेन दो वेक्टर फिक्स हो गए नॉन कोलिनियर, उसका प्लेन फिक्स हो गया, मतलब प्लेन फिक्स हो गया इन द सेंस डायरेक्शन के सेंस में, आई कैन नॉट रोटेट दिस प्लेन, आई कैन ओनली ट्रांसलेट इट, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स हो गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि लाइन जो है उसके पैरेलल देयर आर टू यूनिट वेक्टर्स, परपेंडिकुलर देयर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स, और जो परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं वो सारे कोप्लैनर होंगे। और उसमें हमने एक और स्पेशल जनरल केस क्या देखा, अगर कोई एक लाइन है उससे थीटा एंगल बनाने वाले मैंने इनफाइनाइट वेक्टर, देयर विल बी इनफाइनाइट वेक्टर्स जो एंगल थीटा बनाएंगे इस गिवन लाइन से, एंड ऑल दोज इनफाइनाइट वेक्टर्स विल लाई ऑन अ कोनिकल सरफेस, ठीक है ना। और लास्ट फिर हमने देखा कि प्लेन के, गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर देयर आर टू यूनिट वेक्टर्स, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और प्लेन के पैरेलल देयर आर अगेन इनफाइनाइट वेक्टर्स, तो प्लेन और लाइन का अपोजिट सिनेरियो है। आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक का। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला आज का लेक्चर पूरा फील वाला है, मतलब आज न्यूमेरिकल पार्ट तो हमें कुछ भी नहीं देखना, जस्ट हमें पोजिशनिंग देखनी है वेक्टर्स की, प्लेन्स की, लाइन्स की, लाइक दैट वे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ टू यूनिकली
पहले लिख लो उसके बाद समझाता हूँ. टू यूनिकली लोकेट अ लाइन, पहले लाइन का देखते हैं फिर प्लेन का देखेंगे. अच्छा, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, मतलब अभी तो हम ये देख रहे हैं कि लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए. अभी हम बस थियोरिटिकल देख रहे हैं. 3D में हम क्या करेंगे, उन पैरामीटर्स की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन ड्राइव करेंगे. ठीक है ना, अभी मैंने क्या बोला, अभी तो हम जस्ट थियोरिटिकल देख रहे हैं कि भाई एक लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए क्या क्या जरूरत है, मिनिमम डाटा क्या क्या चाहिए, फिर वो डाटा के साथ इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हम 3D चैप्टर में देखेंगे, इसका जस्ट बाद वाला चैप्टर. ठीक है, तो अब खुद सोचो कि मेरे को एक लाइन को यूनिकली लोकेट करना है तो मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन दियो. तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि अगर हमें दो पॉइंट्स मिल जाएँ तो लाइन लोकेट हो गया. ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, इफ़ आई विल गेट ए टू पॉइंट्स देन आई विल से लाइन फिक्स हो गई, यूनिकली लोकेट हो गई, दिस इज माई लाइन. तो फर्स्ट इसमें पॉइंट आएगा, टू यूनिकली लोकेट ए लाइन वी रिक्वायर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है ना, अगर हमारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे देन आई विल गेट अ यूनिक लाइन. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और इन्फॉर्मेशन क्या दी हो सो दैट आई विल गेट अ यूनिक लाइन. अब इसको फिर बच्चे लोग कैसे रिलेट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि देखो दो पॉइंट्स वाला इक्वेशन हमने देखा था टू पॉइंट फॉर्म में, उसके बाद हमने देखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इधर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट और स्लोप के रिस्पेक्ट में इधर टर्म क्या यूज होगा, पैरेलल वेक्टर. ठीक है, क्या बोला मैंने कि लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए या तो दो पॉइंट्स हो हमारे पास, या फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा हूँ, एक तो पॉइंट एंड अ डायरेक्शन, या फिर एंड अ वेक्टर लिख लो, एंड अ वेक्टर पैरेलल टू इट. इसको समझो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे 3D चैप्टर में. उसने बोला एक लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए मुझे एक तो पॉइंट चाहिए उस लाइन पे और एक मुझे उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए. क्यों, देखना क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जैसे मान लो मैंने केवल इतना दिया होता, एक पॉइंट दिया होता, लेट से दिस इज द पॉइंट, एक ही पॉइंट दिया होता, तो ऑफकोर्स आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. ये तो इनफाइनाइट लाइन्स हो गई इस पॉइंट से पास करने वाली. अच्छा, एक तो ये हुआ कि एक पॉइंट से तो मुझे यूनिकली लाइन नहीं मिल रही, इनफाइनाइट लाइन मिल रही. ठीक है, कोई बात नहीं. अब मैंने बोला कि अगर मान लो केवल मुझे पैरेलल वेक्टर दिया होता कि जो मेरी गिवन लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, देन अगेन देयर विल बी इनफाइनाइट लाइन. कैसे, इस वेक्टर के पैरेलल तो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है. सो केवल पैरेलल वेक्टर देने से भी मेरे को यूनिकली लोकेट नहीं हो रही लाइन, केवल एक पॉइंट देने से भी मेरी लाइन लोकेट नहीं हो रही. बट अगर मैंने ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी ना, एक पॉइंट और एक पैरेलल डायरेक्शन या पैरेलल वेक्टर, तो मेरी लाइन यूनिकली लोकेट हो जाएगी. कैसे, अब मैंने बोला कि मेरी जो गिवन लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है. क्या बोला, मैंने बोला जो मेरी गिवन लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो अगेन आई विल से देयर आर इनफाइनाइट. बट मैंने बोल दिया कि नहीं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, तब मेरी ये लाइन फिक्स हो गई. क्लियर हुआ, मैंने बोला कि पॉइंट ने तो क्या किया, उसकी पोजीशनिंग फिक्स की, और पैरेलल वेक्टर ने उसका ओरिएंटेशन फिक्स कर दिया, डायरेक्शन फिक्स कर दिया, और दोनों को लेके हमारे को यूनिक लाइन मिल गई. दोबारा एक बार मैंने बोला कि ये एक मेरे को लाइन चाहिए जो कि इस वेक्टर के पैरेलल हो, केवल इतना बोला तो इनफाइनाइट लाइंस, बट फिर मैंने ये भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि नहीं वो इस पॉइंट से पास कर रही है, नाउ आई विल गेट अ यूनिक लाइन. गेटिंग इट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए आई वॉन्ट एक पॉइंट ऑन द लाइन एज वेल एज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन. आई रिक्वायर अ पॉइंट एंड अ वेक्टर पैरेलल टू इट, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसी के अंदर एक और लास्ट थर्ड, ये पहले डायग्राम बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, अच्छा ऐसे लिख भी लो कि पॉइंट से तो मेरा क्या हो गया, इट विल फिक्स द पोजिशन, it will fix the direction या orientation. ठीक है ना, मतलब पैरेलल ने तो ओरिएंटेशन फिक्स कर दी, मतलब अब ये लाइन इसी के पैरेलल मूव करेगी, अब कहाँ जाके रुकेगी, जब ये पॉइंट मिल जाए मुझे.
ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैंने बोला कि थर्ड पॉइंट तुम सोचो और कैसे हो सकता है, ठीक है ना, और कैसे हो सकता है लाइन यूनिकली लोकेट, और इन्फॉर्मेशन क्या दी हो मुझे, देखना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो अभी अपन ने क्या देखा कि एक पॉइंट एंड अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। अब मैं बोल रहा हूँ एक तो पॉइंट हो मेरे पास, थर्ड इसी के अंदर थर्ड इज वन पॉइंट एंड, सोचो एक मिनट पॉज करके, क्या इंफॉर्मेशन और दी हो, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अब कोई बोले एक पॉइंट दे दिया, एक पैरेलल डायरेक्शन दे दी, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दी, अब परपेंडिकुलर की जरूरत ही नहीं है, वो पॉइंट और पैरेलल से हमारा काम चल रहा है, तो ऐसा आंसर नहीं चाहिए। समझ में आया ना? मतलब ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब जो प्रीवियस वाली है वो तो दे दी और एक आध इन्फॉर्मेशन और दे दी, वो तो रिडंडेंट है, वो तो इसका तो यूज ही नहीं है, वो तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से हमारा यूनिकली लोकेट हो जाएगा लाइन। तो क्या करें, अब सुनना ध्यान से, इसको समझाता हूँ पहले फिजिकली। लेट्स से इसका, चलो पहले आंसर लिख लेते, नहीं तो पहले आंसर लिख लेते हैं उसके बाद। अ पॉइंट एंड टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पैरेलल डायरेक्शन से तो एक ही डायरेक्शन से काम चल गया था हमारा, बट अगर उसने पैरेलल डायरेक्शन नहीं दी और परपेंडिकुलर दी, देन आई रिक्वायर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब टू परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन पर, या टू वेक्टर्स लिख लो इसको डायरेक्शन की जगह। वैसे डायरेक्शन वर्ड हम 3D में यूज करते हैं वेक्टर्स के लिए, बट हियर आई विल यूज वेक्टर ओनली। टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैंने क्या बोला, पैरेलल में तो हमारा एक वेक्टर से काम चल गया था, बट परपेंडिकुलर देगा तो दो से काम चलेगा, दो देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस ब्लैक इज माय, सॉरी रेड इज माय लाइन, ठीक है ना, दिस रेड इज माय लाइन। तो अब मुझे उसे इस लाइन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो लेट्स से दिस ब्लैक मार्कर एंड दिस ब्लू मार्कर आर माय टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस प्लेन। तो क्या होगा बेसिकली, कैसे फिक्स कैसे हुई लाइन, वो समझो। एक तरीका तो इसका ऐसा समझने का है, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। आई होप तुम्हें पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, कि जब मैं ब्लैक और ब्लू मार्कर का क्रॉस लूंगा, व्हाट आई विल गेट, थंब रूल से अ वेक्टर पैरेलल टू दिस रेड वन। तो बेसिकली क्या हो गया, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन देना लाइन के, दिस इज इक्विवेलेंट टू, लिख लेना भले ब्रैकेट में इफ यू वांट टू राइट, दिस इज इक्विवेलेंट टू गिविंग वन पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन देना इज इक्विवेलेंट टू, क्योंकि उन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब वेक्टर, उन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मिल जाएगा। और अगर एक लाइन के पैरेलल वेक्टर मिल गया, तो इसके पहले वाले पॉइंट में तो हमने वही पढ़ा था कि एक पॉइंट चाहिए, वो तो दिया ही है इसने, और इन दो परपेंडिकुलर वेक्टर से क्या जाएगा मुझे, क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आई विल गेट अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। गेटिंग? या फिर ऐसे समझ लो इसको, एक तो मैथमेटिकली ए क्रॉस बी से समझ लो, या फिर मैंने बोला कि ये लाइन है, ये दोनों प्लेन्स लाइन परपेंडिकुलर, ये दोनों सुनना देखना ध्यान से, सही है ना पोजिशनिंग, हाँ, ये रेड वाला तो मेरा लाइन है, केवल लाइन। अब मैंने बोला कि अगर ब्लैक और ब्लू इज माई डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, देन दीज टू, अब सुनना ध्यान से, अब मैं इसमें पुराना पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, कि हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है कि देखना, पॉइंट से तो मेरा क्या हो रहा था, पोजिशनिंग फिक्स हो रही थी, इससे मेरा क्या हो रहा है, डायरेक्शन फिक्स हो रहा है। कैसे हो रहा है डायरेक्शन फिक्स, वो बता रहा हूँ मैं। एक पैरेलल वेक्टर से डायरेक्शन फिक्स बताया था मैंने, डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टू परपेंडिकुलर वेक्टर से मेरी लाइन कैसे फिक्स हो गई, डायरेक्शन कैसे फिक्स हो गया। मतलब एक बार और देखो, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि मान लो मेरा गिवन वेक्टर मेरा गिवन लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है, तो मैंने क्या बोला, जो हमारी लाइन थी वो इन इनफाइनाइट लाइंस में से कुछ भी हो सकती थी, मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई थी। वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अब, कि एक पैरेलल डायरेक्शन ना देखे, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से भी मेरा क्या होगा, ओरिएंटेशन फिक्स हो जाएगा, डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। कैसे बता रहा हूँ, एक मिनट, डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी कैसे, देखो लेट्स से दिस इज माय लाइन एंड इफ रेड वन एंड ब्लू मार्कर आर माय गिवन परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जो बोला है उसने दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब क्या होगा, अब मुझे पता है कि दीज टू वेक्टर्स जो हैं, टू वेक्टर्स, एक एक काम करो, इसमें थोड़ा सा वर्ड और ऐड कर लो, टू नॉन कोलिनियर इधर ऐड कर लो, ये बताऊंगा क्यों,
टू नॉन कोलिनियर ऐड करूँ, ठीक है ना। कोलिनियर देने से कोई मतलब नहीं बनता, मैं बताऊँगा कैसे। ये नॉन कोलिनियर ऐड कर लेना, मैंने बोला कि ये मेरा रेड वाला एक गिवन लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लेट्स से दीज आर टू माई वैक्टर्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब देखना, प्रीवियस वाला पॉइंट यूज़ करूँगा मैं। ब्लैक और दिस रेड आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन। अब ये दोनों अगर नॉन कोलिनियर है तो हमने क्या बताया, क्या पता था अभी सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स पहले, कि दो नॉन कोलिनियर प्लेन से आई विल गेट अ यूनिक प्लेन। ये मेरा प्लेन आ गया जिसके अंदर मेरा, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, देखना ध्यान से, दिस ब्लैक एंड ब्लू आर माई परपेंडिकुलर वैक्टर टू दिस रेड वन, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, ये दोनों अगर नॉन कोलिनियर हैं तो मुझे ये बुक वाला प्लेन मिल जाएगा, और जो मेरा गिवन लाइन है वो उस बुक के परपेंडिकुलर होगा। तो अब प्लेन के परपेंडिकुलर तो यही होता है बस, ये एक ही डायरेक्शन होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एक ही डायरेक्शन से मेरा मतलब ये या फिर इसके अपोजिट, ठीक है। तो क्या हो गया मुझे, बेसिकली क्या मिल गया, पैरेलल डायरेक्शन, मतलब लाइन की क्या हो गई, लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। इस ये मतलब, अब देखना ध्यान से सुनो एक बार और लास्ट टाइम, ये रेड वाला मार्कर हो गया मेरा गिवन वेक्टर, दीज टू आर माय परपेंडिकुलर वेक्टर टू दिस रेड वन। अब मैंने क्या बोला था कि इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया ना मुझे, कि ये दो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हैं, तो इस लाइन का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, डायरेक्शन फिक्स हो गया, ठीक है। कैसे, ये दोनों रेड और ब्लू मार्कर जो है ये नॉन कोलिनियर है, तो एक प्लेन मिल जाएगा यूनिक पहले वाले पॉइंट से, और अगर प्लेन मिल गया तो ये प्लेन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। अब मैंने बोला कि जो मेरा प्लेन है, जो मेरी गिवन लाइन है, वो इस लाइन, इस बुक, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन होगी, मतलब ये या फिर इसके अपोजिट। तो लाइन की मेरी डायरेक्शन फिक्स हो गई, कैसे, वो इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब ये ब्लैक वाला जो बना है ना, ये हो गया लाइक दिस वे, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, बट सभी लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अब एग्जैक्ट एक लाइन का मिलेगा, एक पॉइंट और दिया हो मुझे, तो एक पॉइंट उसने ये दिया है, और नहीं तो उसको वैसे समझ लो कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिए हैं, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट से आई विल गेट अ पैरेलल डायरेक्शन, और एक पैरेलल डायरेक्शन वाला केस तो हम इससे पहले डिस्कस किए हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना, बहुत एम्फसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ है, मतलब बहुत ज़रूरी है आज का लेक्चर, मतलब अभी तक मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, चलो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया हमने लाइन के लिए, अब आते हैं प्लेन के लिए अगेन, और मैंने क्या बोला कि ये सारी चीज़ें दोबारा हमारी 3D में आने वाली हैं, उधर हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब हम इस इंफॉर्मेशन से प्लेन की और लाइन की इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं टू यूनिकली लोकेट अ प्लेन। फर्स्ट पॉइंट, क्या क्या चाहिए खुद सोचो प्लेन को यूनिकली लोकेट करने के लिए। अच्छा, प्लेन की एक डेफिनेशन लिख लें हम पहले, प्लेन होता क्या है, इतना पढ़ लिया बट प्लेन होता क्या है। प्लेन एक क्या होता है, एक सरफेस जिसमें अगर मैंने दो पॉइंट्स लिए उनको अगर ज्वाइन किया, वो लाइन इज कम्प्लीटली कंटेन्ड बाय दैट प्लेन। मतलब ऐसे लिखो, प्लेन इज अ सरफेस, ऐसे लिख लो, प्लेन इज अ सरफेस, प्लेन इज अ सरफेस सच दैट, इस प्रकार सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग any two points will lie completely on it। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि हमारा प्लेन क्या होगा, एक सरफेस होगा सच दैट, कि लेट से दिस इज माई प्लेन, बोर्ड का ही ले लिया मैंने, बोर्ड वाला ही प्लेन ले लिया, इसमें कोई भी दो लाइन, दो पॉइंट लिए, अगर मैं उनको ज्वाइन करता हूँ तो जो लाइन सेगमेंट मिली मुझे या लाइन मिली, वो उस प्लेन के अंदर पूरी की पूरी आएगी, ठीक है। एक सिंपल है, कोई डेफिनेशन तुमसे पूछ नहीं रहा है, फिर भी मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो अब आते हैं टू यूनिकली लोकेट अ प्लेन। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसको हम चार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देख, चार तरीके मतलब चार तरह से इन्फॉर्मेशन दी हो सकती है। पहली, द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब क्या है कि अगर हमारे पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देन आई विल गेट अ यूनिक प्लेन। कैसे, देखो इसको समझो, लेट्स से दीज आर माय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, लेट्स से नाम कर देता हूँ ए बी सी। ये क्या, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये वाला
पॉइंट ने क्या बोला कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से आई विल गेट अ यूनिक प्लेन. तुम कैसे समझेंगे, कैसे हम क्या करो, तुम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, यू विल गेट अ ट्राइंगल. अब इस सरफेस को भी एक्सपेंड कर दो इस साइड, इस सरफेस को इधर खींच लो, इसको इस साइड खींच लो, तो व्हाट यू विल गेट, अ प्लेन. गेटिंग इट? मैंने क्या बोला, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से मुझे यूनिक प्लेन मिलेगा. उसका एक्सप्लेनेशन इज दिस कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, आई विल गेट अ ट्राइंगल. अब प्लेन तो क्या होता है, प्लेन की कोई लिमिटेशन थोड़ी होती है कि ये प्लेन है इतना ही बोर्ड तक का ही है, वो तो एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटी तक. तो बस मैंने इसको पकड़ के खींचता गया उस साइड, इसको पकड़ के उस साइड, इसको पकड़ के उस साइड, तो व्हाट यू विल गेट, अ प्लेन. ठीक है ना, तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से मुझे यूनिक प्लेन मिलेगा. अगेन इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो हम 3D में देखेंगे. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए होंगे उधर, x1, y1, x2, y2, x3, y3, लेट्स से. तो उन x1, y1, x2, y2, x3, y3 के टर्म्स में वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D चैप्टर. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग चैप्टर. चलो अब आते हैं नेक्स्ट, और क्या दिया हो. अब देखो ये डायग्राम बना लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ. अब मैंने बोला कि लाइन्स, लाइन के केस में भी हमने क्या देखा था, देखना ध्यान से एक बार, एक तो पॉइंट हो और एक डायरेक्ट वेक्टर हो, पैरेलल वेक्टर. ठीक है ना, तो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर के कारण डायरेक्शन फिक्स हो गई और पॉइंट के कारण लोकेशन, तो ये हो जाएगा मेरा लाइन. तो मेरे को लाइन में क्या चाहिए था, अ पॉइंट एंड अ पैरेलल डायरेक्शन. प्लेन में क्या होगा, पॉइंट एंड अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो लिख लो पहले, उसका एक्सप्लेन करता हूँ. अ पॉइंट एंड अ वेक्टर, डायरेक्शन मतलब वेक्टर, एंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट. खुद सोचो एक बार कैसे हुआ, क्या हुआ. अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ. तो मैंने बोला कि लेट्स से कि मुझे एक वेक्टर दे दिया, लेट्स से उसने बोला कि ये वेक्टर जो है मेरे गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो ये वेक्टर अगर मेरे गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इतना बोलने पर यूनिकली लोकेट नहीं होगा प्लेन. क्यों नहीं होगा, देखो कैसे, देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स बट ऑल दोज प्लेन्स विल बी पैरेलल. देखो ये सारे प्लेन्स जो है ना, जो मैं बना रहा हूँ अभी, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर. तो यूनिकली तो मिला नहीं मुझे. बट अगर उसने बोल दिया कि नहीं भाई, एक पॉइंट और दे दिया कि नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही मेरा प्लेन पास कर रहा है, तो क्या हो गया, प्लेन की पोजिशन ही फिक्स हो गई, डायरेक्शन ही फिक्स हो गया. तो वॉट वी आर गेटिंग, यूनिक प्लेन. इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो, फिजिकली देखो, जैसे ये मेरा वैक्टर है, सॉरी उसने बोला कि मेरा जो प्लेन है, सुनना ध्यान से, इस प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतना इन्फॉर्मेशन देने पे केवल कि मेरा जो गिवन प्लेन है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स. एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर, अब मैं इसी को शिफ्ट करते जाता हूँ, तो अगेन देर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स फॉर विच, फॉर ऑल दीज प्लेन्स दिस माई ब्लू मार्कर इज द परपेंडिकुलर वेक्टर. तो इससे तो मेरा यूनिकली लोकेट नहीं हुआ. बट अगर मैंने साथ में ये भी बोल दिया कि जो मेरा गिवन प्लेन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, तो फिर मेरा प्लेन फिक्स हो गया. ठीक है, तो टू यूनिकली अ पॉइंट एंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है, तो मुझे क्या होगा, प्लेन यूनिकली लोकेट हो जाएगा. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है, अच्छा अब शायद कोरिलेट कर लिया होगा कि थर्ड इसमें क्या होने वाला है, थर्ड क्या होने वाला है. अब देखो लाइन में क्या था, लाइन में थर्ड वाला क्या था कि पॉइंट तो चाहिए चाहिए, एक पॉइंट तो लिख लेते हैं, पॉइंट पॉइंट तो चाहिए चाहिए. अब इधर एक परपेंडिकुलर से काम चल रहा था, उधर एक पैरेलल से काम चल रहा था, फिर उधर हमारा दो परपेंडिकुलर से चल रहा था, तो इधर क्या होगा, दो पैरेलल से चलेगा. ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, अ पॉइंट एंड टू वेक्टर्स पैरेलल टू द, अच्छा टू इधर ऐसे लिखो, टू नॉन कोलिनियर, मैं बता रहा हूँ क्यों, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन. वो क्या बोल रहा है कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन दी तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया तो एक वेक्टर से काम चल जाएगा, लेकिन अगर पैरेलल दिया तो मुझे दो वेक्टर्स चाहिए पड़ेंगे. क्यों, देखो क्या होगा कि अब उसने बोल दिया, देखना इसको समझने के लिए, कि मेरा जो प्लेन है वो उसके जो गिवन मेरे को जो प्लेन निकालना है वो इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल है. दैट मीन्स दिस इज माई प्लेन. चलो बुक के हेल्प से बताता हूँ, दिस इज माई प्लेन. ठीक है ना, अब मैंने क्या बोला, एंड पॉइंट एंड टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन. तो अब इसको हम एक तो क्रॉस प्रोडक्ट से समझ सकते हैं, कैसे, कि अगर उसने मान लो दो वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन दे दिए, इनडायरेक्टली हम क्या बोलेंगे कि एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, ये दो वेक्टर्स दे दिए, ठीक है ना, पैरेलल टू द प्लेन. अब मैंने बोला कि
दोनों का क्रॉस जब लूंगा मैं ब्लैक और रेड वाले का, व्हाट आई विल गेट? अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो वही वाली इंफॉर्मेशन टू वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन किस में रिड्यूस हो गई? परपेंडिकुलर वेक्टर में. और मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर का तो एक्सप्लेनेशन दिया ही. क्लियर हुआ? तो हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए प्लेन पे और दो पैरेलल डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना. और अच्छा, ये नॉन कोलिनियर वाला और बता देता हूँ. टू नॉन कोलिनियर क्यों? अगर मान लो जो उसने बोला, उसने मान लो जो वेक्टर्स दिए प्लेन के पैरेलल, अगर वो दोनों कोलिनियर हो गए, दोनों कोलिनियर हो गए, तो एक तो मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि इन दोनों का जब क्रॉस लोगे, सिंस द वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो हमें पता है क्रॉस लेने पे साइन थीटा आता है, और कोलिनियर है तो या तो वो लाइक होंगे या अनलाइक होंगे. तो एंगल विल बी इधर 0 डिग्री और 180 डिग्री, एंगल विल बी इधर 0 और 180 डिग्री. तो मेरा क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो उससे मुझे वेक्टर तो नहीं मिलेगा परपेंडिकुलर. एक एक्सप्लेनेशन तो ये है. और दूसरा एक्सप्लेनेशन इज कि अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो गए पैरेलल वाले, अगर मान लो ये दोनों वाले पैरेलल वाले वेक्टर्स कोलिनियर हो गए, लेट्स से दीज टू आर वेक्टर्स विच आर कोलिनियर, विच आर पैरेलल टू दिस प्लेन बट आर कोलिनियर, तो मुझे प्लेन की ओरिएंटेशन फिक्स ही नहीं हुई, क्योंकि नाउ आई कैन रोटेट द प्लेन. ये तो ये दो कोलिनियर वेक्टर तो एक तरीके से सिंगल वेक्टर ही दिया है ना हमारे लिए. तो ये दो कोलिनियर वेक्टर हैं, वो तो एक सिंगल लाइन, एक सिंगल वेक्टर दे दिया. तो उस हमें पता है कि एक सिंगल वेक्टर से तो इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं. वी कैन रोटेट दिस प्लेन, इन द फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे. क्लियर हुआ? तो अ पॉइंट एंड टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन. इसमें एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं जो हम लाइन में नहीं, इसमें नया है. अब मैं लिख रहा हूँ टू पॉइंट्स. अच्छा, दो पॉइंट से यूनिक प्लेन मिलेगा क्या? आंसर मिलेगा नहीं. दो पॉइंट से तो नहीं मिलेगा, उसके साथ और क्या देना पड़ेगा? क्योंकि अगर दो पॉइंट से मिलता तो मैं इधर 3 क्यों लिख रहा था? ऑफ कोर्स ना. तो टू पॉइंट्स एंड व्हाट? अब कोई बोलेगा एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन. अरे भैया, एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर से काम चल रहा है तो दो पॉइंट क्यों लिखूं? तो इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो नहीं लिखूंगा मैं, लिखूंगा तो पैरेलल ही लिखूंगा, ठीक है ना. अब दो पैरेलल, एक पैरेलल से तो काम चल, अब मेरा देखो एक पॉइंट और दो पैरेलल थे. अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? टू पॉइंट्स एंड वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन एंड वन वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन. कैसे? अब देखा ध्यान को, इसको ही मैथमेटिकली समझते हैं. दो पॉइंट्स दे दिए, लेट्स से ये दीज टू आर द पॉइंट्स. मैथमेटिकली समझा रहा हूँ मैं इसका, ठीक है. और क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट्स के साथ साथ, और एक और चीज़ ऐड करूँगा अभी, दो मिनट रुकना. टू पॉइंट्स एंड वन पैरेलल डायरेक्शन. तो पैरेलल डायरेक्शन लेट्स से मैंने ये दे दी, इस प्लेन के अंदर एक वेक्टर दे दिया, पैरेलल मतलब प्लेन के अंदर एक वेक्टर. अब क्या होगा? अब मैं बोल रहा हूँ इतना देने पे प्लेन यूनिकली लोकेट हो गया. कैसे? देखना ध्यान से. ये जो दो पॉइंट्स दिए उनको मैंने अगर ज्वाइन किया तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा. अब इस प्लेन के अंदर, गिवन प्लेन के अंदर मुझे दो वेक्टर मिल गए, और दो वेक्टर वाला तो पहले ही हम किए हुए हैं कि दो पैरेलल वेक्टर एंड अ पॉइंट, और उधर तो एक ही पॉइंट चाहिए था. अब तो मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर हो गए प्लस दो पॉइंट हैं, तो वो तो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट हो गई. गेटिंग इट? बट एक चीज़ याद रखना है लास्ट वाले में, थोड़ी सी अभी 100% करेक्ट नहीं है. क्या करेक्ट नहीं है? कि ऐसा नहीं हो जाए गलती से कि तुम्हें ये जो दो पॉइंट दिए ना, देखना ध्यान से, ये जो दो पॉइंट्स दिए प्लेन के अंदर, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर और जो गिवन वेक्टर है ये पैरेलल ना हो जाए, तो फिर तो भैया फिर तो वो एक तरीके से एक ही पैरेलल वेक्टर दिया है. तो इसलिए हमें इधर एक और चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहिए और करेक्ट लिखना चाहिए इसको, क्या? कि टू पॉइंट्स एंड वन वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन एंड द लाइन ज्वाइनिंग दीज एंड द वेक्टर ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, जो वेक्टर मिला मुझे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, वो गिवन वेक्टर के पैरेलल ना हो जाए. दैट शुड नॉट बी, एंड द वेक्टर ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स शुड नॉट बी पैरेलल टू गिवन वेक्टर. समझ में आया? हालांकि उतना मतलब है इंपॉर्टेंट समझने के लिए, बट मेनली तो तुम्हारे जो शुरू के तीन थे वो थे, ठीक है ना. आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें. चलो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं अपन, ठीक है ना, प्लेन्स और लाइंस का. एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आज का लेक्चर एक बार नहीं, कम से कम 2-4 बार सुनना, और ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पूरा डिपेंड करता है तुम्हें आज के लेक्चर पे पूरा वेक्टर की फील आने वाली है या नहीं. ट्रस्ट मी, अगर आज तुमने समझ लिया वेक्टर
जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक, मतलब हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ, आगे तो बस मैथमेटिकल पार्ट है। एक बार तुम्हारा फील आ गया ना पोजिशनिंग वैक्टर्स की, कहाँ से वैक्टर कैसे रोटे ये सब, तो फिर वैक्टर बहुत स्मूथ जाने वाला है। और वैक्टर के साथ साथ 3D तो हमारा है ही साथ में, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला एक बार दोबारा, लाइन के लिए क्या क्या चाहिए था और प्लेन के लिए क्या क्या चाहिए था। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन मेक अ समरी टाइप ऑफ कॉलम, ठीक है ना, एक समरी टाइप का बना लो तुम। लाइन के लिए पहला पॉइंट क्या था, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है ना। इसमें क्या था, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। फिर हमारा सेकंड, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फिर इसमें अ पॉइंट, ऐसे लिख लो, चलो शॉर्ट में लिख रहे हैं, 1 पॉइंट प्लस 1 पैरेलल वेक्टर। इधर क्या था, अच्छा ये फर्स्ट है, इधर क्या था, 1 पॉइंट प्लस 1 परपेंडिकुलर वेक्टर। फिर हमारा इधर तीसरा, 1 पॉइंट प्लस 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, और परपेंडिकुलर वेक्टर में भी परपेंडिकुलर 2 परपेंडिकुलर प्रॉपर लिख लो, नॉन कोलिनियर वेक्टर। देखो कोलिनियर वेक्टर, दो वेक्टर कोलिनियर देना हमारे लिए तो इट इज इक्विवेलेंट टू एक वेक्टर, ऐसा मान लो, ठीक है। और इधर क्या था, 1 पॉइंट प्लस 2 पैरेलल वेक्टर, 2 पैरेलल नॉन कोलिनियर वेक्टर। इसको याद कर जाना, ठीक है ना। और इसमें हम दो एक और एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे, 2 पॉइंट प्लस 2 प्लस पैरेलल वेक्टर प्लस 1 पैरेलल वेक्टर। ऑफ कोर्स ये जो वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, वो इट शुड नॉट बी कोलिनियर विद द वेक्टर जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है ना। सो इतना फिर आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि थोड़ी सी नई चीज़ है इसलिए मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा चाहूँगा, ठीक है ना। और इसके बाद थोड़ा सा पार्ट और रहता है लाइन और प्लेन का, ठीक है ना। मतलब उसमें हम देखेंगे कि लाइंस की पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है स्पेस में, मतलब इंटरसेक्टिंग होती है, इसकी होती है, और पैरेलल डिस्टिंग होता है, वो सब चीज़ें, और उसी को प्लेन में देखेंगे। और उसके बाद फिर हमारा आएगा नेक्स्ट कल ही क्लास में लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं कम से कम तुम्हें 2-3 बार व्यू करना है, ठीक है ना, वॉच करना है। ओके, थैंक यू, ठीक है ना, वॉच करना है। ओके, थैंक यू।